देश में आई आपदा हो या फिर दुश्मन की नापाक हरकतों का मुंह तोड़ जवाब देने की बात हो, किसी भी पथ पर इनके पैर नहीं डगमगाते। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है और कुछ मुश्किल पड़ोसियों से घिरा हुआ है, लेकिन इन जाबांजों का सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, किसी भी कीमत पर देश और देश के नागरिकों की सुरक्षा करना। आमतौर पर आप सेना के नाम पर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को ही जानते हैं, पर भारत के पास कुछ ऐसी भी स्पेशल फोर्सेस हैं जो सबकी नजर में आए बिना दुश्मनों के दांत खट्टे करने का हुनर जानती है। आपको ये बात जानकर आश्चर्य होगा कि भारतीय कमांडो फोर्स को अलर्ट रहने के लिए और दुश्मन के अचानक हुए हमले से संभलने के लिए आधे घंटे से भी कम का समय मिलता है। कुछ स्पेशल कमांडो फोर्स की तैनाती से सभी सर्च ऑपरेशन, सीक्रेट मिशन और लड़ाइयां जीत जाती हैं। हर देश अपनी स्पेशल फोर्सेस के कारण मजबूत और सुरक्षित बनता है। पूरे विश्व के देशों में अपनी अपनी कमांडो फोर्सेस है, जिसके बलबूते वह अन्य देशों के आतंकवाद और लड़ाइयों से सुरक्षित रहते हैं। हमारे देश के पास भी सबसे खतरनाक कमांडो फोर्सेस है। ये स्पेशल फोर्सेस देश को हर आतंकी हमले से बचाते हैं। तो चलिए आज जानते हैं कुछ ऐसी ही फोर्सेस के बारे में, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पैरा कमांडो फोर्स भारत की सबसे खतरनाक सेनाओं की टुकड़ी में से एक है, पैरा कमांडो। इसका गठन 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई लड़ाई के दौरान किया गया था। यह भारत की सबसे ज्यादा शिक्षित और मजबूत कमांडो मानी जाती है। कारगिल युद्ध के दौरान पैरा कमांडो फोर्स ने पाकिस्तान को धूल चटाई थी। इन्हें हवाई लड़ाई के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। इनकी खास बात यह है कि 30 से 35 हजार की ऊंचाई से छलांग लगा सकते हैं। पैरा कमांडो के ट्रेंड कमांडो को स्पेशल यूनिफॉर्म दी जाती है। इस यूनिफॉर्म का हल्का रंग इन्हें रेगिस्तान में छिपने और डार्क रंग हरियाली में छिपने में मदद करता है। इस फोर्सेस में उन्हीं कमांडोज को शामिल किया जाता है जो शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत ज्यादा तेज और होशियार होते हैं। इनकी ट्रेनिंग के समय 65 किलो वजन लादकर कई किलोमीटर की दौड़ करवाई जाती है। मार्कोस कमांडो फोर्स भारत की सबसे खतरनाक सेना की टुकड़ी मार्कोस कमांडो होती है। इनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। मार्कोस कमांडो में कुल 1200 सैनिक होते हैं। इसका गठन 1987 में किया गया था। दुनिया की सबसे बेस्ट कमांडोज में भारत की मार्कोस कमांडो का नाम आता है। मार्कोस कमांडो को जल, थल और वायु सभी प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है। ये बहुत ही सफल और मजबूत कमांडो में से एक है। मार्कोस कमांडो इंडियन नेवी की कमांडो है। मार्कोस कमांडो राइफल, स्नाइपर से लेकर सभी हथियार चलाने में निपुण है। आपको बता दें, मार्कोस कमांडो बिना हथियार के और भी ज्यादा खतरनाक है। मार्कोस कमांडो में 20 साल के 10,000 युवा सैनिकों का सिलेक्शन किया जाता है। यदि आप मार्कोस कमांडो के हाथ पैर भी बांध लें, फिर भी वह तेजी से तैर सकते हैं। 26/11 को मुंबई में हुए आतंकी हमले से निपटने के लिए मार्कोस कमांडो की भी अहम भूमिका थी। कोबरा कमांडो भारत की सबसे खतरनाक सेना की टुकड़ी में से एक, कोबरा कमांडो है। कोबरा कमांडो फोर्स का पूरा नाम कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन होता है। इस कमांडो फोर्स का गठन 2008 में किया गया था। यह फोर्स दुनिया की सबसे बेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स में से एक है। इस फोर्स के जवानों को गोरिल्ला ट्रेनिंग दी जाती है। इसके जवान घात लगाकर हमला करने में बेहद एक्सपर्ट है। इस फोर्स के काम ज्यादातर गुप्त होते हैं। राष्ट्रभवन, राष्ट्रपति और संसद भवन का जिम्मा इसी फोर्स का है। यह दुश्मनों को अच्छे से धूल चाटने में माहिर है। कमांडो कोबरा केंद्रीय और रिजर्व पुलिस फोर्स की स्पेशल फोर्स है, NSG कमांडो फोर्स। जब भी देश में बड़े आतंकी हमले हुए हैं, चाहे वह 26/11 हो या फिर अक्षरधाम मंदिर का हमला हो, NSG कमांडो फोर्स ने ही आतंकियों को ढेर किया है। ये हैं देश के ब्लैक कैट्स। NSG का पूरा नाम राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड है। इस फोर्स को 1984 में बनाया गया था। फिलहाल इसमें 10,000 सक्रिय कमांडो हैं, जिन्हें अलग अलग कामों के लिए अलग अलग टीमों में बांटा गया है। ये आतंकरोधी अभियानों में पूरी तरह से प्रशिक्षित होते हैं। इसमें देश के किसी भी सैन्य, अर्धसैनिक बल या पुलिस से जवान शामिल हो सकते हैं। इनकी ट्रेनिंग 14 महीने की होती है। यह गृह मंत्रालय के तहत काम करते हैं। यह VIP सिक्योरिटी, हाईजैकिंग रोकने, बम का पता लगाने जैसे अन्य कामों में भी तैनात किए जाते हैं। गरुड़ कमांडो फोर्स यह भारतीय वायुसेना की घातक कमांडो फोर्स है। इस फोर्स को फरवरी 2004 में बनाया गया था। इनका मुख्य काम एयर असॉल्ट, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, क्लोज प्रोटेक्शन, सर्च एंड रेस्क्यू, आतंकरोधी अभियान,
डायरेक्ट एक्शन, एयरफील्ड्स की सुरक्षा आदि करना है। इनकी ट्रेनिंग 72 हफ्तों की होती है, जो सभी कमांडो से सबसे ज्यादा लंबी होती है। गरुड़ कमांडो रात में हवा और पानी में मार करने के लिए एक्सपर्ट होते हैं। हवाई हमले के लिए इन्हें अलग से ट्रेनिंग दी जाती है। फिलहाल इस फोर्स में 1780 गरुड़ कमांडो हैं। एसपीजी कमांडो फोर्स, एसपीजी कमांडो बनाने की वजह थी साल 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या। 1985 में एसपीजी फोर्स बनाई गई। इस फोर्स में कुल 3000 सक्रिय जवान हैं, जिनका मुख्य काम होता है प्रधानमंत्री की सुरक्षा। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इकलौते हैं जिनका प्रोटेक्शन एसपीजी के हाथ में है। ये अक्सर सूट बूट में दिखते हैं। सूट के अंदर कई तरह के हथियार छिपे होते हैं। हाथ में क्लोज कॉम्बैट के लिए असॉल्ट राइफल होती है। अगर कोई भी दुश्मन प्रधानमंत्री के पास आया तो सेकंड में उसकी मौत तय है। इनके पास करीब एक दर्जन हथियार होते हैं। घातक कमांडो फोर्स, ये कमांडो फोर्स अपने नाम की तरह ही बहुत घातक है। इसे 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में बनाया गया था। घातक प्लाटून आमने सामने की लड़ाई के लिए दक्ष होती है। इनकी ट्रेनिंग भी पैरा कमांडो की तरह होती है। जब कोई खास मिशन होता है तो कुछ बटालियन में से चुस्त ताकतवर और घातक सैनिकों को तैनात किया जाता है। पाकिस्तान में हुई सर्जिकल स्ट्राइक में पैरा एसएफ के साथ इसी टुकड़ी ने हमला किया था। इसमें फिलहाल 7000 कमांडो हैं। वैसे तो एक यूनिट में घातक टीम में एक ऑफिसर, एक जेसीओ सहित करीब 22 जवान होते हैं, लेकिन लगभग एक पूरी घातक टीम बैकअप में भी होती है। इस तरह एक यूनिट में हर वक्त 40-45 घातक कमांडो होते हैं। भारतीय सेना में हर इन्फेंट्री ऑफिसर को घातक कमांडो ट्रेनिंग करनी होती है और चुने हुए जवानों को यह ट्रेनिंग दी जाती है। हर यूनिट में हर साल 30-40 नए जवान आते हैं और फिर घातक कमांडो टीम में भी नए जवानों से कुछ को रखा जाता है। ये घातक कमांडो टीम में से जिन जवानों को रिप्लेस करते हैं वह भी यूनिट में रहते हैं। इस तरह घातक कमांडो टीम के अलावा भी यूनिट में लगभग 50% जवान ऐसे होते हैं जो इसमें माहिर होते हैं। फोर्स वन कमांडो, मुंबई में जब 26/11 आतंकी हमले के बाद फोर्स वन कमांडो बल बनाया गया। इसे महाराष्ट्र की सरकार ने बनाया था ताकि दोबारा ऐसी घटना न हो। यह किसी भी समय आपदा या हमले का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। दुनिया की सबसे तेज कमांडो फोर्स में से एक है। असल में इसमें महाराष्ट्र पुलिस के ही जवानों को लेकर घातक ट्रेनिंग दी जाती है। फिलहाल इस फोर्स में 300 कमांडो हैं। इनकी ट्रेनिंग एनएसजी कराती है। सीआईएसएफ कमांडो, इसका गठन 10 मार्च 1969 में हुआ था। सीआईएसएफ का पूरा नाम सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है। ज्यादातर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुरक्षा करते हैं, जैसे दिल्ली मुंबई के एयरपोर्ट, और यह वीआईपी जगहों की भी देखभाल करते हैं, जैसे भाभा, एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसरो के केंद्र, एटॉमिक पावर प्लांट्स आदि। 26/11 मुंबई हमले के बाद प्राइवेट सेक्टर की सिक्योरिटी में भी इनकी तैनाती होने लगी। स्वाट कमांडो, इनका पूरा नाम स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स है। इनका गठन 1965 में भारत पाकिस्तान जंग के बीच हुआ था। कहा जाता है इनकी और एनएसजी कमांडो की ट्रेनिंग में कोई अंतर नहीं होता। इस कमांडो ग्रुप में सभी जवान 28 की उम्र से कम के होते हैं। इन्हें हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार किया जाता है। ये आमतौर पर अर्बन वॉरफेयर के लिए ट्रेंड होते हैं। ये घात लगाकर हमला करने में माहिर होते हैं। दोस्तों, वैसे तो हर देश के लिए आर्मी फोर्सेस गर्व की बात है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत गर्व की बात है कि हमारे पास भारत की ये टॉप स्पेशल फोर्सेस है। भारतीय कमांडो फोर्सेस काफी ज्यादा सतर्क, मजबूत, ताकतवर और इंटेलिजेंट है। वैसे दोस्तों, आपको इनमें से सबसे ताकतवर फोर्स कौन सी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। फिर मिलेंगे आपसे किसी और नई वीडियो में।